या आई थिंक मेट्रो का ट्रायल रन हो रहा है, ऊपर आप देख सकते हो। तो ये है तलोजा मेट्रो स्टेशन जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी भी, और ये है, ये अंडरग्राउंड रूट है गाड़ियों के आने जाने के लिए। दोस्तों एक शॉकिंग बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट 2016 में ही पब्लिक के लिए शुरू होने वाला था, लेकिन अभी भी इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। हेलो दोस्तों, मैं तेजस मालव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मैंडरिन व्लॉग्स में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नवी मुंबई मेट्रो लाइन के बारे में, जो कि लाइन 1, 2, 3, 4 होने वाली है। तो इस पूरे लाइन के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हम लोग है तलोजा मेट्रो स्टेशन में, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी तक चल रहा है। ये देखिए ऊपर आप तलोजा मेट्रो स्टेशन देख सकते हो। तो सबसे पहले लाइन 1 की बात करते हैं। लाइन 1 जो कि होने वाली है बेलापुर से लेके पेंडार तक, जिसमें टोटल 11 मेट्रो स्टेशन होने वाले हैं और इसकी टोटल लेंथ 11 किलोमीटर होने वाली है। फिर बात करेंगे लाइन 2 के बारे में, जो कि कोई अलग लाइन नहीं है, ये पहली लाइन का एक एक्सटेंशन है। तो लाइन 2 होने वाली है तलोजा MIDC से खांडेश्वर तक, जिसमें टोटल 6 मेट्रो स्टेशन होने वाले हैं और इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर की होने वाली है। फिर आती है लाइन 3, जो कि तलोजा MIDC से पेंडार स्टेशन तक होने वाली है, और इसमें 3 मेट्रो स्टेशन और इसकी लेंथ 4 किलोमीटर की होने वाली है। लाइन 4 शुरू होने वाली है खांडेश्वर मेट्रो स्टेशन से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, जिसकी लेंथ 4.5 किलोमीटर होने वाली है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको 4 लाइन्स के बारे में बताया, तो ये चारों लाइन्स कोई अलग लाइन्स नहीं होने वाली है, बल्कि ये एक ही रूट है, बस इनको लाइन्स में डिवाइड किया गया है। दोस्तों ये पूरा नवी मुंबई मेट्रो का प्रोजेक्ट सिडको के अंडर होने वाला है, सिडको यानी सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और MRTS यानी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस पूरे रेलवे लाइन को इस तरह से अरेंज करने के लिए, ताकि पब्लिक को इसका फायदा आसानी से हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सारे स्टेशन है वो लिंक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप तलोजा स्टेशन से यानी लोकल से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो तलोजा मेट्रो स्टेशन से। तो ये एक एग्जांपल था। तो MRTS इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लिंक करने के लिए, जो कि बहुत इजी हो जाता है पब्लिक के लिए। दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट 2 फेजेस में डिवाइड होने वाला है। पहला फेज होने वाला है CBD बेलापुर से लेके पेंडार स्टेशन तक, और फेज 2 MIDC से खांडेश्वर तक होने वाला है। तो ये है तलोजा मेट्रो स्टेशन जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी भी, और ये है, ये अंडरग्राउंड रूट है गाड़ियों के आने जाने के लिए। यहाँ पे अंदर आप देख सकते हो, और ये पूरा एरिया आई थिंक मेट्रो के अंडर ही आएगा पूरा। आप देख सकते हैं सपाट है, रेलवे लाइंस वहाँ पे है, और ये आप देख सकते हो ये मेट्रो का ही ब्रिज है वहाँ पे, वो दूसरी तरफ। तो इन्हीं में कहीं ना कहीं जो लाइन्स है, लाइन 1, लाइन 2, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइड हो रही है, आप देख सकते हो ऊपर। इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 4,160 करोड़ रुपए होने वाली है। और दोस्तों एक शॉकिंग बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट 2016 में ही पब्लिक के लिए शुरू होने वाला था, लेकिन अभी भी इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और ऐसा क्यों हुआ और इसमें क्या क्या रीजन थे, तो चलिए इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सितंबर 2010 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सिडको को सौंपी थी अंडर इंडियन ट्रैमवे एक्ट के तहत। जिनको नहीं पता इंडियन ट्रैमवे एक्ट क्या होता है, तो बता दूं ट्रैमवेज जो कि आपने नॉर्मली देखे होंगे मूवीज में, जो कि रोड पे ट्रेन चलती है, तो उसे हम ट्रैमवे कहते हैं। उसी साल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस पूरे प्रोजेक्ट को मेट्रो एक्ट के अंदर डाल दिया था, और उसके बाद एंट्री होती है DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसको इस पूरे प्रोजेक्ट की फैसिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और आप मुंबई में या फिर नवी मुंबई में जितने भी मेट्रो लाइंस के प्रोजेक्ट देख रहे हो, DMRC बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेट्रो लाइंस को प्लान करने के लिए और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और उसी साल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट का भी काम की शुरुआत हुई थी, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया है, तो रेफरेंस के लिए वो वीडियो भी जरूर एक बार देख लीजिए आप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके बाद 1 मई 2011 में पृथ्वीराज चौहान, जो कि हमारे 17th CM रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन वर्क की शुरुआत की थी। और पूरा प्लान रेडी था, पूरा बजट बन चुका था, और ऐसा कहा जा रहा था कि 2016 तक ये पूरा मेट्रो लाइन यानी नवी मुंबई मेट्रो लाइन का प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए शुरू हो जाने वाला है।
और उस वक्त ये प्रोजेक्ट 3 फेजेस में बनने वाला था और ऐसा कहा जा रहा था कि 2016 तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, पब्लिक के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के 18th CM बने और उसके बाद इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, जो बहुत सारे एडिशंस इसमें डाल दिए गए थे इस प्रोजेक्ट में। और ऐसा कहा जाता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और बहुत सारे अप्रूवल्स में डिले होने की वजह से इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन जो है वो 2022 सितंबर तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन 2022 तो अभी चला गया है और 2023 आ गया है, तो अभी इसकी डेडलाइन 2023 जून तक बढ़ा दी गई है और होपफुली जून तक इसका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। या आई थिंक मेट्रो का ट्रायल रन हो रहा है, ऊपर आप देख सकते हो मेट्रो जो कि रुकेगी नहीं प्लेटफॉर्म पे और पूरी मेट्रो खाली थी, और ये नीचे मालगाड़ी जा रही है। इस मेट्रो लाइन की टिकटिंग कॉस्ट बहुत ही सस्ती होने वाली है, जो कि मेन मोटिव है मेट्रो लाइन का। 10 रुपये से लेके 40 रुपये तक इसकी टिकटिंग प्राइस होने वाली है अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनेशन, मतलब आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो उसके हिसाब से इसकी प्राइस होगी, 10 रुपये से 40 रुपये के बीच में। तो दोस्तों अभी मैं तलोजा मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे खड़ा हूँ, तो यहाँ से मैं अंदर आया था, तो यहाँ पे तो कुछ काम चल रहा नहीं है क्योंकि आई थिंक काम कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि मेट्रोस का ट्रायल रन भी चल रहा है, तो काम तो आई थिंक पूरे जोरों शोरों से कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे आपको मतलब कोई भी वर्कर या फिर कोई काम करते वक्त नहीं दिखेगा, देखिए। लेकिन सिर्फ ऊपर जाने के लिए देखिए रास्ता बंद है, वहाँ से एंटर करने के लिए आपको ऊपर भी कोई दिखेगा नहीं, तो चलते हैं। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैंने अब तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, मेट्रो लाइंस के बारे में, कोई भी किसी भी ब्रिज के बारे में, उनमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हर प्रोजेक्ट में डिले हुआ है। डेडलाइन के पहले काम खत्म करने की बात तो छोड़ ही दो, हर प्रोजेक्ट में सालों तक का डिले हुआ है। पता नहीं क्या रीज़न है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ नॉलेज, पता नहीं, क्योंकि अंदर की बात हमें पता नहीं है, लेकिन इतने सालों तक का डिले होना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिस्टम में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और होपफुली ये गवर्नमेंट इस सिस्टम में कुछ ना कुछ बदलाव करे और ये मेक श्योर करे कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप डेडलाइन दे रहे हो उसकी, तो वो काम डेडलाइन के पहले शुरू हो जाना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने मेक श्योर करना चाहिए। तो दोस्तों आने वाले समय में आपको ऐसे बहुत सारे मेट्रो लाइन्स के अपडेट के बारे में जानकारी मिलेगी मेरे चैनल से, और इन्हीं में से लाइन 5 और लाइन 12 के अपडेट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए आपके दोस्तों को और जो भी मेट्रो से ट्रैवल करने वाला है इन फ्यूचर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।